दोस्तों वीडियो रोहतक का है, देख सकते हैं काफ़ी गंदा पानी है और आपको तमाम छात्र दिखाई पड़ रहे होंगे, स्थानीय लोग दिखाई पड़ रहे होंगे, लोग बहुत परेशान हैं। समाज सेवी नवीन जैन का कहना है कि 10 साल से ये समस्या है, लोग बहुत दुखी हैं। लेकिन तमाम बड़े नेताओं की फ़ोटो पानी में तैर रही है, इसमें हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल, भाजपा सांसद अरविंद शर्मा, रोहतक के भाजपा नेता मनीष ग्रोवर, कई और तस्वीरें हैं सत्ताधारियों की। नवीन जैन का अलग तरह का प्रदर्शन होता है, सुर्खियों में छा जाते हैं, जनता की समस्याएं दूर करवाने के लिए उनके पास कुछ खास रहता है। हाल में देखा होगा थारा कोपा जिंदा है, नवीन जैन का कहना है कि लोग बहुत दुखी हैं इस समस्या से, लेकिन हरियाणा सरकार, यहाँ रोहतक के सांसद, रोहतक के भाजपा नेता जनता की कुछ नहीं सुनते। देखते हैं स्कूल है, स्कूली छात्र बहुत परेशान है, सामने इस तरह का पानी। और नवीन जैन ने चेतावनी दे दी है कि 10 दिन में अगर ये गंदगी साफ न की गई तो सारा कूड़ा करकट रेस्ट हाउस में लेकर पहुंचेंगे। देख रहे हैं हालात कितने खराब हैं। लोग बीमार पड़ रहे हैं, बच्चे बीमार पड़ रहे हैं। तो सरकारी स्कूल के सामने के हालात हैं, देख सकते हैं सरकारी स्कूल वैसे ही हरियाणा के बेहाल हैं, और साफ सफाई ना होने से और बच्चे बीमार पड़ रहे हैं। नवीन जैन का कहना है कि यहाँ भाजपा के जिला अध्यक्ष की फैक्ट्री है और उसका सारा पानी आके मंदिर सामने इकट्ठा हो जाता है, लोग घर से नहीं निकल पाते हैं। भाजपा नेता सिर पे यहाँ वोट लेने दिखाई पड़ते हैं, उसके बाद नहीं दिखाई पड़ते हैं। सीवर का ढक्कन हमेशा खुला रहता है, लोग गिरते रहते हैं, घायल होते रहते हैं, और 10 साल से ये समस्या है। और नाम है इसका सैनिक कॉलोनी। देख रहे हैं काफी लोग इकट्ठे हैं यहाँ। स्कूल बस भी आपको दिखाई पड़ रही होगी, लग रहा है पहले स्कूल बस भी। हरियाणा अब तक से पुष्पेंद्र सिंह राजपूत।